एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है, औरों की रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं पटते, इस पर सिर्फ मेरा हक है। हाय गाइस, मैं हूं इतेश और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक मूवी लेकर आया हूं। आई होप आपने इसे देखा होगा। इस मूवी का नाम है दिल है मुश्किल, जो की 2016 में आई थी। इसके पहले जो मैंने कुछ लव स्टोरीज का एक्सप्लेन किया था एज वेल एज रॉक स्टार लैला मजनू, उन पर आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए मैंने सोचा की एक और बहुत ही बेहतरीन दिल लगी वाली मूवी आप लोगों के लिए लेकर आई जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर यानी कि अयान को देख पाते हैं, जिसका इस वक्त एक इंटरव्यू चल रहा था या फिर कहें कि पॉडकास्ट, जहां पर वो अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातों को बताता है। इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि पेशे से वो एक सिंगर है और यहाँ पर हम उसकी जिंदगी, प्यार, बीते लम्हे, कुछ फेमस गाने, उसका स्ट्रगल और बाकी सारी चीजों के बारे में भी जान पाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम अयान को देख पाते हैं जो कि अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। शाम को वो एक डिस्को में जाता है और तभी उसे अलीजा नाम की एक लड़की दिखाई पड़ती है। ये दोनों ही आंखों में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर एक रूम में आकर के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मगर अयान जो कि एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, उसे ठीक तरीके से किस भी करना नहीं आता, जिस पर अलीजा हंसने लगती है। वेल, पहले इनका मोमेंट था थोड़ा क्लोज वगैरह आने का, लेकिन उसकी पागलपंतियां देख करके अलीजा का मूड बदल जाता है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं थोड़ा घूमने फिरने और थोड़ी और बातचीत करने के लिए। और अब घूमते घामते अलीजा उसे अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाती है, ये एक बिल्डिंग का सबसे ऊपरी छोर था, और बताती है कि जब कभी भी मेरा मूड ठीक नहीं होता या फिर मुझे कुछ पुरानी बातें सताने लगती है तो मैं बस यहाँ पर आ जाया करती हूँ, न जाने क्यों मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगता है। और अब बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा जानने लगते हैं और इसी के साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ पर अलीजा बताती है कि एक वक्त की बात है जब मैं एक अली नाम के शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो पेशे से एक डीजे आर्टिस्ट था, मतलब कि डीजे वगैरह बजाया करता था, मगर उसका एक दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और जब मुझे ये बात पता चली तो फिर हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी मेरी लाइफ में एक डॉक्टर है, डॉक्टर फैजल, जिससे मैं कहीं ना कहीं प्यार करती हूँ। जिस पर अयान कहता है कि हाँ, मेरा भी एक लीजा नाम की लड़की के साथ में अफेयर है। जिस पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने पार्टनर्स को एक दूसरे से मिलवाएंगे, देखे तो सही कि आखिर एक दूसरे की चॉइस कैसी है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम यहाँ पर एक अच्छे खासे होटल में इन दोनों के ही पार्टनर्स को देख पाते हैं, जहाँ पर अलीजा फैजल को लाई होती है और वहीं पर अयान अपनी लवर या फिर क्रश लीजा को लाया होता है। इनके बीच में बैठकर के बातचीत हो रही थी, मगर लीजा जो थी थोड़ा ज्यादा ही शो ऑफ कर रही थी अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के, अपने पैसों का रॉब दिखा करके, और इस वक्त वो अयान के साथ कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी। और ये रीजन होता है कि अलीजा उसे कहीं ना कहीं पसंद नहीं करती और उसे थोड़ी हेट की निगाहों से देखने लगती है। और अब बातों ही बातों में इनका झगड़ा बढ़ जाता है तो अलीजा उसकी कपड़ों पर वाइन ढोल कर चली जाती है। तो खैर, अब इस झगड़े को सुलटाने के लिए ये लोग एक और क्लब में जाते हैं। एक ऐसा क्लब था जहां पर म्यूजिक सिर्फ हेडफोन्स में लगा हुआ था और फेमस गाना तो आपने सुना ही होगा, द ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग, कर दे दिल की फीलिंग स्ट्रॉन्ग, तो अच्छा खासा डांस वगैरह आता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये डांस वगैरह खत्म होता है और जब अयान लीजा से मिलने के लिए जाता है तो देख पाता है कि वो तो भाई साहब लगी हुई है फैजल के साथ में, और जब ये बात अलीजा को भी पता चलती है तो उसका तो मानो दिल ही टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपना अयान जो कि कहीं ना कहीं लीजा को अपना दिल बैठा होता है, वो बहुत ज्यादा टूट चुका था और रोने लगता है। तो अलीजा से समझाती है कि यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें वो भी सिर्फ हम ही से ही प्यार करें। अब अयान जैसे कि ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही प्यार हुआ था तो वो बच्चों की तरह रोने लगता है, जिस पर अलीजा बताती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक कभी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे दिल का बोझ थी। और इस बोझ को एक्सप्लेन करने के लिए वो उसे कहती कि जरा लेटो, और उसके दिल पर एक बड़ा सा गमला रख देती है और पूछती कि तुम्हें कैसा लग रहा है, दिल पर बोझ महसूस हो रहा है, चलो ठीक है मैं इसे हटा देती हूँ, कैसा लग रहा है, बोले यार अब तो ठीक लग रहा है। तो ये जिसे मैंने हटाया है यही लीजा है, देखा ना, जैसे दिल के ऊपर से पत्थर का बोझ हट गया तो दिल कितना हल्का हो गया। और अब जैसा कि इन दोनों का ही ब्रेकअप हो चुका होता है तो अब ये अपनी एक ट्रिप प्लान करते हैं पेरिस के लिए और निकल पड़ते हैं अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए और दुनिया को और ज्यादा करीब से जानने के लिए। अब यहाँ पर इनकी कुछ पर्सनल ख्वाहिशें भी थी, जैसे कि अलीजा को शिफोन की साड़ी पहनकर बर्फ में डांस करना था पुरानी मूवीज की तरह। खैर यहाँ पर वो तो डांस वगैरह कर लेती है, लेकिन अयान की हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। और अब रात को ये आंख जला करके आसपास बैठे होते हैं और एक मोमेंट पर ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके होते हैं तो अलीजा कहती है कि कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, जिस पर अयान कहता है कि यार तू मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, मुझे कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं हुआ है, जिस पर अलीजा का रिप्लाई था कि हाँ ये अच्छी बात है कि हम अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती यूं ही बनी रहेगी, क्योंकि रिश्ते जब जिस्मानी हो जाते हैं तो दोस्ती मिट जाती है, फिर एक दूसरे पर शक करना, इनसिक्योरिटी का पैदा हो जाना एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो बेटर है कि हम दोस्त ही रहें। हालांकि प्यार में जुनून है मगर दोस्ती में सुकून है और इस सुकून को मैं खोना नहीं चाहती, और ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद में ये दोनों ही एक डिस्को में आते हैं
है जहाँ पर वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड अली को देख पाती है। अब उसे देखकर हालांकि कहीं ना कहीं उसकी पुरानी फीलिंग्स जाग जाती है और अब इसी अनकंफर्टेबलनेस के अंदर वो अयान को कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कहीं भी चलो मगर यहाँ से निकलो। फाइनली ये दोनों यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, मगर जब ये जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से अली आ जाता है और कहता है कि यार अलीजा मुझसे गलती हुई, मैंने गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में, मगर अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में जगह दोगी? हमारा रिश्ता कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है और मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई है, मगर गलतियों को माफ कर देने वाला इंसान ज्यादा बड़ा होता है, कम से कम मुझे एक मौका था दो। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। खैर अयान अलीजा को यहाँ से ले जाने के बारे में कहता है और बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, मगर क्या करें, टूटा दिल है साहब, अगर पुराना रिश्ता बुलाता है तो इंसान दौड़ा चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अलीजा के मन में वापस से अली के लिए प्यार जाग जाता है और वो अयान को यहाँ से खाली हाथ लौट जाने के बारे में कहती है और खुद अली के साथ निकल जाती है। हालांकि अयान को अलीजा का यह फैसला बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मगर क्योंकि वो सिर्फ दोस्त थे इसलिए वो अपना मुंह लटकाकर वापस से लंदन आ जाता है। और अब कुछ दिनों तक दोनों की ही बातें नहीं होती, ना तो अयान उसे फोन करता है ना ही अलीजा उसे फोन करती है। लेकिन अब कुछ दिन जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिताए थे, वो मोमेंट बहुत ही बढ़िया क्रिएट हुए थे, तो अब उसे कहीं ना कहीं अलीजा की कमी खलने लगती है। फिर अचानक से एक दिन अलीजा का कॉल आता है, वो अयान को कहती है कि मैंने और अली ने शादी करने का डिसाइड कर लिया है और इस वक्त मैं इंडिया जा रही हूँ। अली ने मुझे अपने पूरे दिल से प्रपोज किया, मैंने ये बात जब अपने घर वालों को बताई तो उन्हें हमारा ये रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया, तो वेल हमारी शादी में मेरे घर वालों में से तो कोई नहीं आने वाला, क्या तुम आओगे? अब ये बातें अयान सुन तो रहा था, उसे बहुत ज्यादा हर्ट भी हो रहा था। अब कहीं ना कहीं उसे भी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी, मगर अब जैसा कि अलीजा की लाइफ में अली आ चुका था इसलिए वो टूटे मन से उसे शादी माने के लिए हाँ बोल देता है। अब यहाँ हमें लखनऊ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलीजा और अली की शादी होने वाली थी। एंड देन आता है इस मूवी का इनफैक्ट मेरा भी पर्सनल फेवरेट सॉन्ग, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे। आई होप गाइस कि ये सॉन्ग आप में से भी कई लोगों का फेवरेट होगा। वेल जिसका भी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इस गाने में हम साफ तौर पर अयान के चेहरे पर वो बेरुखी देख पाते हैं कि यार कैसे उसके हाथों से उसका प्यार जा रहा था। ऐसा ही सेंटिमेंटल सॉन्ग या फिर ऐसे ही सिचुएशनल सॉन्ग हमने ये जवानी है दीवानी में भी देखा था, रे कबीरा मांझा। वेल अगर आप लोगों की हैवी डिमांड आएगी तो मैं उस मूवी को भी आप लोगों के लिए 1080p क्लिप्स के साथ में जरूर लेकर आऊंगा, मगर शर्त यह है कि सिर्फ 5-6 लोगों से काम चलेगा, एटलीस्ट 150-200 कमेंट तो होने चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस सॉन्ग के खत्म हो जाने के बाद में जब अलीजा अयान के पास आती है तो अयान उसे रोते हुए कहता है कि आज जो मैंने गाना गाया उसके अंदर दर्द था, प्यार था, शिद्दत थी। अलीजा मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मगर अब क्या करूं, मेरी गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, बहुत कोशिश करूं मगर फिर भी वापस लौट कर नहीं आ सकता। इनफैक्ट वो तो जाते जाते अलीजा को कर्ज भी देता है कि जो डीजे वगैरह यहाँ पर बज रहा है वो अली के ऊपर गिर जाए, वो भी मर जाए, बिजली के झटके से तुम भी मर जाओ, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सकता वो मैं नहीं चाहता कि किसी और का भी हो। अब इस बात पर अलीजा रोने लगती है कि ये अयान ने मुझे क्या कह दिया, और अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वही पुरानी वाली चीज यानी कि जो इंसिडेंट्स अलीजा ने उसे करके दिखाया था वो वैसा ही एक गमला अपने सीने पर रख लेता है और कहता है कि इस बार ये दिल का बोझ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है और उसका नाम है अली, क्यों ना इस दिल के बोझ को हटा दो ताकि हम हमारी लाइफ अच्छे से जी सके। मगर अब क्योंकि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, उसके परिवार वाले आ चुके थे, अली भी रेडी था, तो यहाँ पर अलीजा कोई बड़ा स्टेप नहीं ले पाती और अब अयान यहाँ से रोता हुआ निकल जाता है। और तभी एयरपोर्ट पर जाते वक्त उसे शायर सबा खान नाम की एक लेडी मिलती है तो ऐश्वर्या, और कहती है कि इतने बने ठने होकर कहाँ जा रहे हो, क्या सीधा शादी करने जा रहे हो या फिर शादी तोड़ कर आ रहे हो? लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो सबा देखकर समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब यहाँ पर अयान अपने गमों को भुलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगता है, मगर सबा उसकी आंखों में देखकर कहती है कि गुफ्तगू बेजार लोगों की आदत है, जो आंखें एक बार कह देती है उनके आगे लफ्जों का दर्जा क्या। सभा की इन बातों को सुनकर के अयान की आंखें नम हो जाती है, जिस पर सभा इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग कहती है कि आपके आंसू बड़े वफादार हैं, आपकी इजाजत के बिना बाहर नहीं निकलते, बहने दीजिए ने इनका वहां क्या काम। और अब जब ये लोग फ्लाइट में बैठे होते हैं तो अयान अपनी सारी दिल की बातें उसे बताता है कि कैसे अलीजा नाम की लड़की उसके लाइफ में आई, मगर अब आखिरी दिन था आज, वो लाइफ से जा चुकी है। तो जब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो सभा उसे अपनी एक फेवरेट डायरी देती है जिसके अंदर उसका एक नंबर भी लिखा होता है, और अब ये दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और जब अयान अकेला बैठा होता है तो रूम के अंदर उसी बुक को पढ़ने लगता है, उसकी जितनी भी शायरीज होती है उन्हें देखने लगता है, महसूस करने लगता है। उसमें काफी बेहतरीन और खूबसूरत शायरियां थी, उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाजी इश्क की बाजी है तो चाहे लगा लो, डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, अगर हार भी गए तो बाजी मात नहीं। इन सारी शायरियों को पढ़ करके अयान बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, उसके दिल में सभा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है और अगले दिन वो उसे
कॉल करके कहता है कि वो उससे मिलने के लिए वियना आ रहा है, उसे आपसे तुम बनाने के लिए। यानी कि अब वो सबा के लिए अट्रैक्ट हो चुका था। अब यहाँ पर ये एक अच्छे से महंगे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, इन दोनों की आंख मिलती है, काफी अच्छी लंबी बातचीत होती है इनके बीच में। और बातों ही बातों में अयान को ये पता चलता है कि सभा एक डिवोर्सी है, उसका पहले एक रिश्ता टूट चुका है और अब उसके दिल में प्यार की कोई जगह नहीं। खैर, सभा यहाँ पर अयान को एक अच्छा इंसान मानती थी, इसलिए उसके साथ में अच्छी बातें वगैरह करने लगती है कि तभी अयान उससे कहता है कि तुमने जो अपनी बुक में शायरी वगैरह लिखी है, मैं इस लिखावट को शब्दों में बदलना चाहता हूँ, यानी कि इन्हें बोल देना चाहता हूँ, इस पर गाने बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे परमिशन देगी? तो सभा इसके लिए मान जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ अयान ये भी कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे शायरी की नहीं बल्कि तुम्हारी भी जरूरत है। जिस पर सभा कहती है कि मैं किसी की जरूरत नहीं बल्कि ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। जिस पर अयान कहता है कि वैसे प्यार के अलावा और भी कई सारे रिश्ते होते हैं, अगर तुम तैयार हो तो हम एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। जिस पर सभा कहती है कि ठीक है, अगर कोई रिश्ता बनाना ही है तो फिर उन रिश्तों के रूल्स क्या होंगे? जिस पर अयान का कहना था कि फर्स्ट रूल, जब चाहे तोड़ दो, मतलब कि दोनों के रास्ते अलग अलग। और अब इसी के साथ ये दोनों एक अच्छे से हेल्दी रिलेशन में आते हैं, काफी घूमते हैं, बातचीत करते हैं, गाने वाने गाते हैं। और यहाँ पर वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग भी आता है, बुलेया, जैसे कि मैंने भी गिटार पर बहुत प्ले किया है। अगर आपने भी प्ले किया है देन प्लीज डू कॉमेंट कि किस किस को ये सॉन्ग गिटार पर प्ले करना आता है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। यहाँ पर ये लोग एक आर्ट गैलरी में आए हुए होते हैं कि तभी सभा को उसका एक्स हस्बैंड ताहिर मिलता है, मतलब कि अपने शाहरुख खान जी। और वो सभा को अयान के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार तो मिल ही गया। हालांकि फेस पर उसके स्माइल जरूर थी, मगर अंदर ही अंदर वो जल रहा था, क्योंकि रीजन ये था कि भले ही इनके बीच में डाइवोर्स हो चुका था, मगर ताहिर आज भी सभा से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था। जिस पर अयान का भी कहना था कि वैसे आसान नहीं है एक ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले। जिस पर इस मूवी का आइकॉनिक डायलॉग आता है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही अलग है और रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बट इस पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे सभा से मोहब्बत करने के लिए खुद सभा की जरूरत नहीं, क्या हो सकता है इससे कोई और बेहतर इश्क? अब इन बातों को सुनकर के अयान बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है, या फिर कहें कि उसके पुराने गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं, और वो फोन लगा देता है सीधा अलीजा को। अलीजा भी उसके कॉल को देखकर काफी शॉक थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में अयान का कॉल उसे आया था। फाइनली ये दोनों ही एक दूसरे से बात करके बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अयान भी सभा के बारे में उसे बहुत कुछ बताता है कि वो एक शायर थी, उसने मेरी लाइफ में आकर के मेरी लाइफ चेंज कर दी, फिर मैंने कई सारे गाने बनाए, एंड देन वो उसकी कुछ फोटोज भी अलीजा को शेयर करता है। हालांकि इस वक्त उसे जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलीजा तो जलने की वजह उसके लिए और खुश हो रही होती है कि चलो ठीक है, इस मजनू को कोई तो मिला। अब एक दिन बातों ही बातों में जब इनकी चैट वगैरह चल रही थी, तो अलीजा बताती है कि अली का एक शो है और वो वियाना आने वाला है, तो मैं भी इसके साथ जरूर आऊंगी, तो फिर चलो मिलेंगे तुमसे उसी दिन। एंड देन जब कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा होता है अली का, तो यहाँ पर अलीजा इन दोनों से ही मिलने के लिए आती है। तो अब अपना अयान जो होता है वो अलीजा को चिढ़ाने के लिए या फिर उसे थोड़ा बुरा फील करवाने के लिए सभा के साथ ज्यादा क्लोज आने लगता है, अपने प्यार का बखान वगैरह करने लगता है। मगर सभा उसकी ये सारी बातें नोटिस कर रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया था सभा के साथ में, और आज अपने सामने अलीजा को देख करके ये इतनी सारी अलग अलग वियर्ड चीजें कर रहा है। और अब कहीं ना कहीं सभा को अयान की आंखों में अलीजा के लिए बेशुमार मोहब्बत दिखाई पड़ती है। और अब क्योंकि शाम खत्म हो चुकी होती है, तो अलीजा वहां से जाने लगती है, मगर तभी दो कदम आगे बढ़ने के लिए अयान भी उसके साथ आ जाता है, जहां पर जाते वक्त अलीजा कहकर जाती है कि अयान तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें सभा जैसी लड़की मिली। और जाते वक्त वो उसे हग करके जाने वाली होती है, मगर तभी अयान उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही कोई जलन, ना ही कोई गुस्सा, क्या तुम्हारे अंदर दिल भी है या वो भी किसी को बेच दिया? जिस पर रिप्लाई देते हुए अलीजा बताती है कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है अगर तुम्हें समझाऊंगी भी तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, तुम अभी बच्चे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, मंजिल है, हुनर है, अच्छी लाइफस्टाइल है, फिर भी तुम इसी जिद पर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। जिस पर अयान कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मेरे अंदर आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, जिद मेरी है क्योंकि दिल मेरा है, आखिर तुम प्यार क्यों नहीं कर सकती मुझसे? जिस पर अलीजा कहती कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर ये वो प्यार नहीं है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। और अब क्योंकि अयान को गुस्सा आ जाता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अलीजा को यहाँ से जाने के बारे में कह देता है। और अब जब टूटे दिल के साथ में अयान वापस से सभा के पास आता है, तो सभा उससे कहती है कि मैंने झूठ कहा था तुमसे कि मेरे दिल में मोहब्बत के लिए अब कोई जगह नहीं है, मुझे भी अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन आज मैंने तुम्हारी आंखों में अलीजा के लिए वो प्यार देखा, वो शिद्दत देखी जो शायद कभी मेरे लिए नहीं थी। पर अयान अब मुझसे और नहीं होगा, मैं पहले भी इसी मंजर से गुजर चुकी हूँ, ये सारी चीजें मेरी आंखों के सामने से आ जा चुकी है, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं, मगर मोहब्बत से दूर चले जाना हमारे बस में है। और अब फाइनली अयान भी उसे ये सारी सच्चाई बता देता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ में था, असली शिद्दत वाला प्यार तो वो आज भी अलीजा से ही करता है। और अब सभा ये सारी बातें समझ चुकी थी कि वो चाहे कितना
कितना भी उससे प्यार कर ले शिद्दत वाला, मगर अयान की आंखों में वैसा वाला प्यार नहीं ढूंढ पाएगी जैसा कि उसकी आंखों में लीजा के लिए झलकता है। तो फाइनली ये दोनों यहाँ पर इस रिश्ते को एंड कर देते हैं और अब अयान वियाने को छोड़ करके वापस से लंदन की ओर निकल पड़ता है, जिसके बाद तो वो पूरी तरीके से अपनी सिंगिंग की दुनिया में डूब जाता है। एंड लिटरली सेइंग गाइस, इस मूवी का हर एक गाना दिल को छू लेने वाला गाना है। और फिर आता है इस मूवी का टाइटल सॉन्ग, ऐ दिल है मुश्किल, तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल, ऐ दिल है मुश्किल। और अब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अयान के गाने छाने लगते हैं, उससे दिन ब दिन मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यूज आने लगते हैं। और अब धीरे धीरे करके सारे गाने ट्रेंड पर आने की वजह से अयान बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। और अब ऐसे ही एक शो के दौरान अयान की मुलाकात अली से होती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में हुई बातचीत से व्यूअर्स को ये पता चलता है कि जब वियाने के अंदर वो उससे मिलने के लिए आई थी तभी से उसने अली का साथ छोड़ दिया था। वो उन दोनों की आखिरी रात थी। जाते वक्त अलीजा ने अली को कहा था कि अब वो उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगी है, उसकी आंखों में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए यानी कि अयान के लिए ही प्यार झलक रहा था और इसी रीजन के चलते हम काफी टाइम से अलग अलग रह रहे हैं। वेल अभी तक अयान को ये लग रहा था कि अलीजा अली के साथ ही होगी, मगर जब उसे ये सच्चाई मालूम चलती है कि इन दोनों को अलग हुए काफी टाइम हो चुका है तो आखिर अलीजा इतने वक्त से रह कहां पर रही है। तभी उसे याद आता है कि एक बार अलीजा ने कहा था कि जब भी कभी मेरा दिल टूट जाता है या मैं उदास होती हूँ तो इसी छत की किनोर पर आकर के बैठ जाती हूँ, इसलिए वो उसी बिल्डिंग के पास जाकर अलीजा को खोजने लगता है और अब रात दिन उसका इंतजार करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अलीजा हर बार यहाँ पर आती जरूर है चाहे उसकी लाइफ में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए। और अब दो दिनों तक लगातार इंतजार करने के बाद में वहां पर अलीजा उसे दिखाई पड़ती है, मगर अपने पहले वाले रूप में नहीं, कुछ और ही रूप में, क्योंकि इस वक्त उसके बाल मुंडे हुए थे, वो पूरी तरीके से गंजी हुई भी थी। हालांकि यहाँ पर अयान को उस पर गुस्सा तो आ रहा था कि आखिर अली को छोड़ देने के बाद में वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, एक फोन कॉल भी क्यों नहीं किया, मगर उसकी ऐसी हालत देख करके उसका पूरा दिल टूट चुका था क्योंकि अलीजा एक कैंसर पेशेंट थे और ये उसका फोर्थ स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज चल रहा था। अब इन बातों को जानकर अयान को बहुत ज्यादा रोना आता है। इसी के साथ हम व्यूअर्स को भी ये पता चलता है कि अली ने अलीजा को नहीं छोड़ा बल्कि अलीजा ने ही उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उससे शादी का बहाना करके उसने उससे शादी तो कर ली थी मगर फिर भी उसके दूसरी लड़कियों के साथ में चक्कर चल रहे थे और ये बात अलीजा को बर्दाश्त नहीं हुई। मगर अब फाइनली ये दोनों बिछड़े दोस्त एक दूसरे से मिल चुके होते हैं, अपना गम बांटते हैं और अब जितने भी पल अलीजा के पास बचे होते हैं अयान उन्हें खास बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अब क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी या फिर कहें कि उसकी लवर थी, उसकी आंखों में उसके लिए शिद्दत वाला प्यार था, तो सेम वो उसी की कॉपी कर लेता है, उसी की तरह अपने सारे बाल मुंडवा देता है और कहता है कि अगर तुम इस तरीके से रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं। और अब दोनों सेम टू सेम होकर के खूब एंजॉय करते हैं, खूब पार्टीज वगैरह करते हैं, अपने आखिरी पलों को बेहतरीन पलों में बदल देते हैं। अब एक रात को अयान अलीजा के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम हालांकि मुझे गलत समझोगी, ये सोच रही होगी कि मैं तुमसे क्लोज आने के लिए ऐसा सब कुछ कह रहा हूँ, मगर मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, तुमसे दूर रह करके देख लिया, दूसरी लड़की से बातचीत करके उनके साथ में एक रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच लिया, मगर मैं कभी भी तुम्हें नहीं भुला पाया, मगर अब और नहीं होता मुझसे, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिल और दिमाग से जाती ही नहीं तुम। जिस पर अलीजा का कहना था कि अयान आशिकी ने मुझे सिर्फ तबाही दी है और अब ये तबाही मैं और नहीं देखना चाहती, मेरे पास सिर्फ कुछ चंद दिनों का ही वक्त है, अगर ये आशिकी परवान चढ़ गई तो फिर बाद में तुम्हें संभालने के लिए यहाँ कौन होगा। जिस पर अयान का कहना था कि हाँ अलीजा मैं तबाह होना चाहता हूँ, मगर अलीजा का कहना था कि अयान हमारे बीच में जो दोस्ती है यही मेरी ताकत है, आशिकी सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझना चाहते। जिस पर अयान कहता है कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये बात तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो। मगर ये बातें अलीजा को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है और वो अब अयान को यहाँ से जाने के बारे में कह देती है और अकेले बैठकर खूब रोती है। मगर जब नेक्स्ट डे अयान उससे मिलने के लिए वापस से घर पर आता है तो यहाँ उसे अलीजा नहीं मिलती, सिर्फ उसके लिए एक नोट छूटा हुआ था जिसमें लिखा था मैं अब अपने घर जा रही हूँ, आई होप कि तुम मेरे प्यार को समझोगे। ये पढ़ते ही अयान सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी ज्यादा देर नहीं होगी, वो इस वक्त फ्लाइट के लिए वहां पर वेट कर रही होगी। हालांकि उसे ये बात मालूम थी कि इस वक्त उसके पास कुछ आखिरी के पल ही हैं, मगर इन आखिरी के पलों को वो सिर्फ उसी के साथ ही बिताना चाहता था। जब अयान एयरपोर्ट पहुंचता है तो रिसेप्शनिस्ट के थ्रू से पता चलता है कि प्लेन बस टेक ऑफ करने ही वाला है, तो अयान अलीजा को कॉल करके उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम वापस आ जाओ, इस वक्त वो फ्लाइट में बैठ चुकी थी इसीलिए वो उसका कॉल काट देती है। अयान यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है, तभी अचानक से उसके पास में कॉल आता है और ये कॉल प्लेन में से किसी बंदे ने किया था। वो बताता है कि इस वक्त अलीजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लास्ट कॉल आप ही को किया था इसलिए आप जल्दी से आ जाओ। तो अयान भागता हुआ सीधा मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचता है जहां पर हम अलीजा की खराब हालत को देख पाते हैं। तभी अलीजा अपने मुंह से मास्क हटाती है और बताती है कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूं, मुझे कोई इंजरी नहीं हुई है, हालांकि कैंसर पेशेंट होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मैंने ये बहाना बनाया, अब तुम भी एक्टिंग करते रहना नहीं तो पुलिस वालों को लगेगा कि ये तो इलीगल वे था एक प्लेन को रुकवाने का, तो
जेल में ठूस देंगे दोनों को। ये सुनकर अयान बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कल रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा कि हम आपके हैं कौन, क्योंकि दिल में कुछ कुछ होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हमें वही शॉट दिखाया जाता है जिसमें अयान बैठकर अपनी आप बीती सभी लोगों को बता रहा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। वेल, मेरी आवाज से भी आपको मालूम चल रहा होगा कि जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा था तो कितना ज्यादा सेंटी हो गया था। तो अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको इसी तरीके की रोमांटिक लव स्टोरीज वगैरह पसंद है, देन प्लीज लेट मी नो कि इसके बाद आप ऐसी और कौन सी मूवी देखना चाहते हैं। मैं जितनी जल्दी कोशिश हो सकेगी उतनी जल्दी वो वीडियोज लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, देन प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत और दिल की असली फीलिंग्स लगती है। इसके बाद में मैं ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।